हेलो एंड वेलकम टू रॉकी पीएलसी क्लासेस। रॉकी पीएलसी क्लास में आपका स्वागत है। आज मेरा लेक्चर नंबर 12 है। मैं आप लोगों के साथ 11 मतलब 11 क्लास डिस्कशन कर चुका हूँ। उसी 11 क्लास में मैंने आप लोगों के साथ पीएलसी का बेसिक गेट्स, ज्वाइंट गेट, और गेट, नांड गेट, नॉर गेट, एक्सर गेट, एक्सनॉर गेट, ये सब डिस्कशन किया था। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ लैडर में कैसे उसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फंक्शनल ब्लॉक में कैसे रिप्रेजेंटेशन करें मैंने बताया था। जो हमारा पीएलसी लैडर सिमुलेटर जो ऐप है उसी में कैसे बनाएंगे वो हम एक बार देखे, बहुत डिस्कशन किया था, प्रोग्रामिंग बना के दिखाया था। उसके बाद मैंने लैचिंग और लैचिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तो प्रीवियस क्लास में मैंने टी ऑन टाइमर और टी ऑफ टाइमर दोनों का जो बेसिक है, बेसिक उसका डेफिनेशन क्या है, मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ टी ऑन टाइमर का जो प्रोग्रामिंग है उसके बारे में बताऊंगा। उसका जो ब्लॉक डायग्राम है कैसे बनाते हैं, उसका प्रोग्रामिंग कैसे बनाएंगे, मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर हमारा जो वीडियो अच्छा लग रहा है, जो मैंने आप लोगों के साथ इतना वीडियो बना चुका हूँ, कम से कम 11 वीडियो बना चुका हूँ, ये हमारा 12th वीडियो है। आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि पीएलसी का कम से कम 40 क्लास लूँगा पीएलसी प्रोग्रामिंग का। तो मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ, उसी के लिए आप लोग मेरा वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज हम टी ऑन टाइमर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो टी ऑन टाइमर है उसका क्या होता है, कुछ टाइम डिले के बाद अगर कुछ हमारा आउटपुट ऑन होता है उसका हम टी ऑन टाइमर डिले बोलते हैं। अगर मान लीजिए हम कुछ मोटर को चलाना चाहते हैं, ये मान लीजिए एक मोटर है, ठीक है, ये इनपुट दिया गया है, ठीक है, ये हमारा मोटर आउटपुट है। अगर मान लीजिए ये 1 आवर के बाद ये मोटर चलेगा उसको हम टी ऑन टाइमर बोलेंगे, ठीक है, मतलब 1 घंटा डिले के बाद ये मोटर चलना चाहिए, उसके बाद वो चलता रहेगा, ठीक है, उसको हम टी ऑन टाइमर बोलते हैं, ठीक है। चलिए टी ऑन टाइमर का जो ब्लॉक डायग्राम है पीएलसी लैडर सिमुलेटर जो ऐप है उसी में ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं मैं इसको बताऊंगा। ये हमारा टी ऑन टाइमर का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे हम इनपुट देंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम एक स्विच लेते हैं जिसको इनपुट देते हैं I0.0, एक इनपुट देते हैं, हमारा आउटपुट मिलेगा, आउटपुट जो हमारा मिलेगा यह हमारा डॉन बीट है, ये हमारा टीटी बीट है, टाइमर्स टाइम बीट, ये मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। पहले यहाँ पे आ जाते हैं टी ऑन टाइमर जो है उसका ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या होता है। पहले होता है ये टाइम ऑन डिले, ये लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद टाइमर का नाम मेंशन होता है, ये टाइमर का नाम मेंशन है, मान लीजिए हम T0 में उसको नाम देते हैं, ठीक है, ये टाइमर का नाम है। उसके बाद आ जाते हैं टाइम बेस, टाइम बेस में हम ये 1 सेकेंड लेते हैं, मान लीजिए टाइम बेस में 1 सेकेंड ले सकते हैं, नहीं तो 0.1 सेकेंड लेते हैं, नहीं तो 0.01 सेकेंड ले सकते हैं, नहीं तो 0.0001 सेकेंड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रीसेट वैल्यू में, प्रीसेट वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रीसेट वैल्यू हम लोगों को कैसे निकालेंगे देख लीजिए। मान लीजिए हम टाइमर जो हमारा मोटर चला रहे थे, जो एग्जांपल दिया था, मान लीजिए हम 10 सेकंड के बाद चलाना चाहते हैं, ठीक है, हमारा जो मोटर है 10 सेकंड के बाद हम उसको चलाना चाहते हैं, तो प्रीसेट में हम क्या देंगे, तो हमारा जो टाइम है इक्वल टू टाइम बेस इनटू प्रीसेट,
ठीक है। तो यहां पे हम इसको निकालेंगे, प्रीसेट को निकालेंगे, ठीक है। प्रीसेट को कैसे निकालेंगे, हमारा टाइम क्या दिया हुआ है 10 सेकेंड, हम टाइम बेस क्या लेंगे, मान लीजिए हम टाइम बेस 1 सेकेंड लिया, ठीक है 1 सेकेंड, ठीक है इनटू प्रीसेट। तो हमारा प्रीसेट कितना निकलेगा 10, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, वन, ये प्रीसेट हमारा 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद होता है एक्यूमुलेटर, मैं और एक चीज बोलना भूल गया, प्रीसेट में जो हमारा है, मान लीजिए हम यहां पे 0.1 सेकेंड लेंगे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमारा टाइम है इक्वल टू टाइम बेस इंटू प्रीसेट, ठीक है। हमारा टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, टाइम बेस 0.1 सेकेंड इंटू प्रीसेट, ठीक है। ये प्रीसेट कितना होगा हमारा, अभी अगर हम 0.1 सेकेंड लेंगे तो हमारा प्रीसेट हो जाएगा 100, यहाँ पे हम 100 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 0.1 सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे 100 लिखेंगे, ठीक है। ये प्रीसेट हो गया, उसके बाद आ जाते हैं एक्यूमुलेटर वैल्यू। एक्यूमुलेटर वैल्यू क्या होता है, एक्यूमुलेटर वैल्यू ये होता है, ये हमारा इनपुट को, हम स्विच को इनपुट को अगर हम हाई कर देते हैं, इनपुट हमारा हाई हो गया, ठीक है, इनपुट जब हाई दे देंगे तब हमारा एक्यूमुलेटर वैल्यू काउंटिंग होगा। पहले अगर हाई दे दी, ये 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे ही एक एक सेकेंड के बाद ये 3, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 10 होगा, ठीक है। ये 0 से 10 ऐसा नहीं कि हर लेटर आता रहेगा, एक एक करके लेटर आता जाता रहेगा, क्योंकि हम इनपुट को प्रेस कर दिए तो ये हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया। मान लीजिए टाइमर अभी 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में जाके ये रुक जाएगा, मतलब पहले 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद करते करते ये 10 सेकेंड में उसका कंप्लीट हो जाएगा, और 10 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद हमारा आउटपुट डाउन बीट हमारा हाई हो जाएगा। ये हमारा डाउन बीट, ये कंप्लीट होने के बाद ये हमारा डाउन बीट हाई हो जाएगा, अभी तक ये हाई नहीं हो रहा था, ये लो था, इसको हम बोलेंगे T0 डाउन बीट, ठीक है। 10 होने के बाद हमारा डाउन बीट ऑन हो जाएगा, ये टाइमर का खासियत है, इनपुट दिए टाइमर स्टार्ट हुआ, 10 होने के बाद यह हमारा डाउन बीट ऑन हो जाएगा। 10 होने के बाद यहाँ पे 10 लिखा हुआ आएगा, ये नहीं कि ये सब लिखा हुआ आएगा, 10 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये रहा डाउन बीट के बारे में। उसके बाद टाइमर्स टाइम बीट, टाइमर्स टाइम बीट क्या होता है, T0 टाइमर्स टाइम बीट, टाइमर्स टाइम बीट ये है, जब हमारा एक्यूमुलेटर वैल्यू काउंटिंग होता रहेगा, जब ये 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, ऐसे करते करते 10 हुआ, 0 से 10 तक हमारा टीटी बीट ऑन होता रहेगा, मतलब जब ये 0 से 1 हुआ टीटी बीट ऑन, 1 से 2 हुआ टीटी बीट ऑन, ऐसा नहीं कि 1 में फिर ऑफ हो जाएगा, ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यूसली ऑन हो रहेगा, ये 0 से 10 तक हमारा टीटी बीट में आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसी में नहीं मिलेगा, एक टाइमर चलता रहा है, ये टी ऑन टाइमर में नहीं मिलेगा, टाइमर्स टाइम बीट में हमारा आउटपुट मिलेगा जब एक टाइम काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब 10 हो जाएगा इसमें आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा, अब आउटपुट मिलेगा किसमें, इसमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसमें और एक चीज है, एनेबल बिट, एक होता है एनेबल बिट, ये जो हमारा एलन बैडली का RX लॉजिक 5000 है, इसमें एनेबल बिट होता है, EEN करके होता है, ठीक है। एनेबल बिट की खासियत ये है, जब हमारा आउटपुट
ऑन रहेगा तब तक हमारा इनेबल बिट ऑन रहेगा, इनपुट ऑफ हो जाएगा इनेबल बिट ऑफ हो जाएगा, मतलब ये ऑन ये ऑन, ये ऑफ ये ऑफ, ठीक है। ये जो मैंने टाइमर्स के बारे में बताया हूं, ये मैं टी ऑन टाइमर के बारे में बताया हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं टी ऑफ टाइमर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये टी ऑन टाइमर में ऊपर में लिखा हुआ आएगा टाइम ऑन डिले, टाइमर्स का ये हमारा जो एड्रेस है टी जीरो एड्रेस उसको देंगे, ठीक है, एड्रेस मेंशन होगा, ये टी जीरो एड्रेस है, टाइमर का नाम है एड्रेस। टाइम बेस हम 1 सेकंड ले सकते हैं, 0.1 सेकंड ले सकते हैं, ये आप जितना चाहेंगे, जितना हमारा आप लोगों का जो जो लॉजिक है जितना आप चाहते हैं उतना ले सकते हैं। प्रीसेट में हम यहाँ पे प्रीसेट हम निकालें, प्रीसेट कैसे निकालेंगे, टाइम इंटू टाइम बेस इन टाइम इक्वल टू टाइम बेस इंटू प्रीसेट, तो हमारा प्रीसेट वैल्यू निकल जाएगा। टाइम 10 सेकंड दिया गया है, टाइम 1 सेकंड, प्रीसेट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा 0.1 सेकंड लेंगे तो हमारा प्रीसेट 100 निकल जाएगा, अगर यहाँ पे हम 0.1 सेकंड लेंगे यहाँ पे 100 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इसी के लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है, ये वैल्यू इसी के लिए है, इसके लिए वैल्यू 100 होगा, ठीक है। उसी तरह आप लोग ये और ये मेरा वैल्यू कितना कितना आ रहा है आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगर टाइम बेस 0.01 सेकंड लेंगे तो हमारा प्रीसेट वैल्यू कितना आएगा, अगर टाइम बेस 0.0001 सेकंड लेंगे तो हमारा प्रीसेट वैल्यू कितना आ रहा है आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बस आज की क्लास में बस इतना ही, अगर हमारा वीडियो आप लोगों का अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगली क्लास में आप लोगों का टी ऑफ टाइमर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।